पानीपत में प्रशासन ने कोविड-19 के चलते मंदिर के कपाट बंद करवा दिए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने पानीपत लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी से मंदिर के कपाट खुलवाने की गुहार लगाई है। गांव के सरपंच मदनलाल शर्मा ने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि प्रशासन द्वारा मंदिर के कपाट बंद करवा दिए गए हैं, उसी के चलते आज वह ग्रामीणों के साथ मीटिंग करके डीसी से मिलने पहुंचे हैं। सरपंच ने बताया, जिला उपायुक्त ने श्रद्धालुओं और ग्रामीण की भावनाओं को समझते हुए सीटीएम को मंदिर का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। वहीं सरपंच ने कहा कि प्रशासन एक बार चुलकाना धाम पर आकर विजिट करे और वह जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं वह करे। हम प्रशासन को वॉलंटियर मुहैया करवाएंगे और पूरे गाँव का सहयोग प्रशासन को दिलवाया जाएगा। जो कमेटी के जो मेन जो हमारे बड़े पदाधिकारी उप प्रधान थे वो मिले थे कई दिन पहले, तो डीसी साहब से परमिशन लेने के लिए मिले थे जी। आप जो है प्रशासनिक जैसे हर बार मदद होती है तो हमारी मदद करें, प्रशासनिक अधिकारी हमको दिए जाएं, कर्मचारी दिए जाएं, जिससे कि मेरा जो है सुचारू रूप से कर सकें। तो डीसी साहब ने उनको जो है ये कह दिया था कि अभी आप जो है ना कोविड लाइन को देखते हुए आपको मेला करना पड़ेगा, अगर आप इस कंडीशन पर हो तो आप मेला करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ लाखों आदमी जुड़े हुए हैं, जिनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, लाखों आदमियों में आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते और सब चीज़ ऐसे को मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए जो है इनको देखते हुए कमेटी ने उनके बंद कर दिया मंदिर के कपाट, और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम तो कि प्रशासन की मदद मिल जाए। अगर डीसी साहब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है इनका कि भाई प्रशासन देंगे, हम तो मंदिर के कपाट खोल देंगे। उसी टाइम मंदिर किसके, थोड़ा इतिहास बताओ जी। इतिहास बताओ। मंदिर जो है श्री श्याम बाबा है जी, ये जो है वीर बर्बरिक है जी, इनका जो ये जो हमारे महाभारत में जो भीम थे उनके पुत्र थे जी। बर्बरिक और जैसे जो है महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो इनको जो है इनकी माता ने जो है, जैसे ये गए भाई मैं युद्ध में जाऊँगा, तो इनकी माता ने पूछा जी आप जो है ना आप किस तरफ रहोगे, तो इनकी माता ने इनको कहा था कि आप जो है ना जो आर्ता दिखा ना उसकी तरफ रही हो। तो श्री कृष्ण भगवान फिर इन्होंने अपना रूप दूसरा ले गए, इनको बीच में रोक लिया, उनको पता था, तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको रोका भी आप जो क्या करोगे कि आपको जो अदानी बताया गया जी और सबसे बड़े दानी यही हुए हैं, तो उन्होंने जो है कि भाई मैं कुछ मांगूँ तो आप दे दोगे, हाँ जी बिल्कुल दे दूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर इनको जो है शीश मांग लिया कि अपना शीश दे दोगे तुम, तो उन्होंने कहा जी शीश तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिसने मेरे से शीश का दान मांगा है वो कोई जो है आम आदमी नहीं हो सकता, आप अपना रूप दिखाओ मेरे को। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया इनको और जो है इन्होंने अपना शीश दान दे दिया था। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण भगवान ने इनको वरदान दिया था कि आप जो है कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा जाएगा आपको, और वो इजाज देख रहे हो आप श्याम बाबा को जो है लाखों करोड़ों आदमी पूजते हैं जी। नाम बोलते हैं अनिल शुक्र चुलकाना, मैं मेम्बर हूँ जी। आज जैसे ही हमें पता, कुछ टाइम से पता चल रहा था कि हम मंदिर को 1 तारीख से लेके और 31 मार्च तक हम इसको बंद रखेंगे, और हमने इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अपना रेजोल्यूशन किया था 20 तारीख को, क्योंकि हमें पता था भाई 23 तारीख को पंचायत डिजोल्व हो रही है और 20 तारीख को हमने इसका रेजोल्यूशन कर लिया था। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि देखो जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बंद करेंगे, अगर ये बंद करते हैं तो हम इस रेजोल्यूशन को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा के बहुत श्रद्धालु लोग हैं जो पूरे साल में एक बार आते हैं और उनका एक कुल का देवता मानते हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे कल पता चला कि मंदिर बंद हो गया, शाम के टाइम में गांव के लोगों ने बुलाया, वहाँ बैठ के हमने आश्वासन दिया कि भाई हम कल डीसी साहब से मिलेंगे। आज इस पर्पज़ में हम डीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और सीटीएम को मार्क किया है भी वो विजिट करेंगे, और जैसा उन लोगों को अच्छा लगेगा प्रशासन को, हम प्रशासन के लिए हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतने वॉलंटियर देंगे, उनको आदमी देंगे, पूरे गाँव का सहयोग होगा, लेकिन हम भी चाहते हैं कि लोगों की आस्था न को ठेस न पहुँचे। मदन लाल शर्मा, सरपंच चुलकाना। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।